मुझे कल रात हमारी ब्लीच मिस हो गई थी तो मैंने अब करनी है ब्लीच. मुझे दोनों ये वाली नहीं मिली तो एक मैंने ये वाली ले लिया. ब्लीच कोई भी यूज़ कर सकते हैं, केयर ले लो और जो भी आप यूज़ कर रहे हो, पीच ले लो, जो मर्जी ले लो. ठीक है जी, ब्लीच बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ. एक हमें पूरा डेवलपर चाहिए और दो हमें क्रीम्स चाहिए. मैं ये हिसाब रखती हूँ, ये दोनों क्रीम्स डालूंगी और एक ही डेवलपर डालूंगी. तो दोनों क्रीम्स मैंने इसके अंदर डाल दी हैं. अब ये डेवलपर है, ये डेवलपर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ. ठीक है, डेवलपर ऐड करने के बाद आप लोग पास कोई भी लोशन है ना, कोई भी, मैं ये आजकल यूज़ कर रही हूँ लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, आप लोग निविया का शिया बटर ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है जी, अब ये हमने लोशन एक पंप, दो पंप, तीन पंप, थोड़ा सा चौथा. इससे आप लोग को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, मतलब कोई इरिटेशन नहीं होगी, कोई रैश नहीं होगा. इसको मैं मिक्स करती हूँ क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, फेस ड्राई है, तो ये जो मेरा ऑरेंज सीरम है, विंटर एक दो तीन चार, ठीक है जी, चार ड्रॉप्स ऐड करूँगी फिर मैं इसको मिक्स करूँगी. अच्छा जी, तो अब मेरे 10-11 मिनट गुजर गए हैं. मैंने हल्के हाथों से अब हल्की सी मसाज करनी है ब्लीच की, ठीक है, जहाँ जहाँ ब्लीच लगाई है. उसके बाद ठंडे पानी से मुंह धो के फिर मैं ये अपने स्टीमर से स्टीम दे के ब्लैक हेड्स निकालूंगी. उसके बाद हम स्टीमर ऑन करते हैं, यहाँ से प्रेस करते हैं. ठीक है जी, स्टीमर का बारे में मैं आपको अगली पोस्ट में बताती हूँ मैंने कहाँ से लिया और कितने का लिए. ठीक है, इसके पीछे पानी की बॉटल डलती है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद ये स्टीमर है, यहाँ से ऑन होता है, ये इसका प्लग लगाया मैंने. अच्छा, ये जो लोग स्टीमर का पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप लोग ले सकते हैं, मैं रिकमेंड कर रही हूँ. उसके बाद मैंने ब्लैक हेड्स नहीं निकाले पेन से क्योंकि मैंने इसको ट्राई करना था. 640 की प्राइस है एवलाइन का, देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है. उसके